आपका आपके पसंदीदा वेब चैनल दरभंगा लाइव न्यूज में। तेजस्वी यादव ने एक खड़ी कर दी है, एक पोर्टल भी वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जहां पर बेरोजगार चाहकर के अपना जो फॉर्म है वो डाल सकते हैं, उनकी उम्र क्या है, बाकी जो डिटेल्स है वो डाल सकते हैं। और जब तेजस्वी यादव की सरकार आएगी यानी तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उस बायोडाटा को देखा जाएगा और उन्हें रोजगार दिया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं जब इलेक्शन आता है तो बीपीएससी, चयन आयोग, परीक्षा आयोग जो इनके हैं, लगभग पांच पांच छह छह साल लग जाते हैं प्रक्रिया पूरी करने में। 2014 का अनाउंस किया हुआ चुनाव में अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, यानी इतने लंबे साल तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है, उसमें भी धांधली होती है। अब मान लीजिए सिपाही भर्ती को लेकर के हो तो उसमें बड़ी कम आने की धांधली, कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो उसमें पेपर जो है वो लीक कर जाता है। करप्शन सारे संस्थाओं में घुस गया है। नीतीश कुमार जी ने क्या किया बिहार में, ना तो वो गरीबी मिटा पाए, ना बेरोजगारी मिटा पाए, ना पलायन को रोक सके। उन्होंने केवल केवल भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ाने का काम किया और लगभग दो पीढ़ियों बिहार के दो पीढ़ियों को उन्होंने बेरोजगार रखा है, भ्रष्ट मारने का काम किया। इन पे कभी भी नीतीश कुमार जी जो है चर्चा नहीं करना चाहते, ना कोई काम करना। जब चुनाव आएगा तो घोषणाएं बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति 15 साल में काम नहीं कर पाया वो 2 महीने में कैसे करके दिखाएगा। जिस व्यक्ति को बिहार की जनता ने 15 साल दिए तब भी वो गरीबी नहीं मिटा सकते, बेरोजगारी नहीं मिटा सकते, पलायन नहीं रोक सकते, तो वो 2 महीने में कैसे जो है सभी लोगों को रोजगार दे। अब नियोजन और वेतन वृद्धि का एक झुंझुना है, आप देखिएगा जितना भी अभी चुनाव आएगा तो कहीं जैसे SC/ST भाइयों का अगर किसी का हत्या हो जाता है तो उस परिवार के नौकरी नीतीश कुमार जी देंगे, ये उन्होंने ऐलान किया। जब चुनाव आ रहा है तब लेकिन वही नीतीश कुमार जी जब SC/ST जो उनकी सुरक्षा करने के लिए एक्ट बनाई गई थी जब उसको खत्म किया जा रहा था तो नीतीश कुमार जी कहां थे। मेरा पहला प्रश्न है कि अगर SC/ST में आपने समर्थन नहीं किया, आपने खत्म कराने का काम किया तो भारत बंद हुआ, आंदोलन हुआ, सड़कों पर लोग हम लोग आए, तब जाकर के पुनः जो है उसको स्थापित किया गया। लेकिन नीतीश कुमार जी आपकी प्रायोरिटी तो यह होनी चाहिए कि उन दलित भाइयों की हत्या ही ना हो। आप तो हत्या को, दलित भाइयों की हत्या को प्रमोशन देने का काम करेंगे। भैया जिसके घर में मर्डर होता है उसको जो है एक नौकरी जो है हम देने का काम करेंगे, तो क्या स्वर्ण जातियों में अगर हत्या होगी किसी स्वर्ण जाति का तो उनके परिवार से नौकरी क्यों नहीं मिलेगा। पिछड़े जाति में अगर हत्या होगी तो उनके जाति के पर उनके परिवार के लोगों को क्यों नहीं मिलेगा। अति पिछड़े कि अगर हत्या होगी तो क्या उनके परिवार में से नौकरी नहीं मिलेगा। क्या आदिवासी भाई की हत्या होगी तो क्या उनके परिवार में नौकरी नीतीश कुमार जी ने देंगे। तो ये जो चुनावी जो इनका झुंझुना है ये सबके सामने आ गया, इनका जो दोहरा चरित्र जो है वो सबके सामने आ चुका है। और इलेक्शन में तरह तरह का जो है प्रोपोगंडा मेन एजेंडा से बेरोजगारी से हटाने का ये पूरा जो है काम करेंगे, लेकिन वाकई में अगर आप देखें तो
बिहार में जिसने भी ग्रेजुएशन किया है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो पढ़े लिखे डिग्री वाले लोग हैं, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नर्सेस हो, आज बेरोजगार है। विधानसभा में नौकरी निकलती है चपरासी का, ड्राइवर का, तो जो पीजी किया हुआ है, जो डॉक्टर का डिग्री लिया हुआ है, जो इंजीनियर है, वो रिक्रूटमेंट के लिए वो अप्लाई करता है जॉब के लिए, लेकिन वहां भी उसका जो है जॉब नहीं मिल पाता। लगभग 5.5 लाख आवेदन जो है विधानसभा में चपरासी का ड्राइवर के लिए गए थे, जिसमें कि अधिकांश लोग जो है डॉक्टर का डिग्री, इंजीनियर का डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री लेकर के बैठे थे। आपको याद कीजिए, जब लॉकडाउन हुआ तो भारी संख्या में मजदूरों का आना हुआ, लगभग 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर आए। नीतीश कुमार जी ने बोला था कि सरकार ने बोला था कि वो रोजगार देंगे, सभी लोगों को रोजगार देंगे, मैपिंग दी जाएगी सब लोगों का, प्रतिभा जिसकी जो प्रतिभा होगी उसके अनुसार जो है उसको रोजगार दिया जाएगा। सरकार नहीं दे पाई, जब सरकार नहीं दे पाई तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि बिहार सरकार को फटकार लगाएगी, जो आर्थिक तंगी से जो गरीब परिवार, जो मजदूर जो जूझ रहा है इस कोरोना महामारी में, जो घर लौटा है, जिसके घर लौटने को आपने मना कर दिया था और कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि उनको गुंडा क्रिमिनल आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन सभी लोगों को रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कराएगी। आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, आप एयरपोर्ट चले जाइए अभी, या कहीं किसी पंचायत के बाहर आप देखिएगा कि हरियाणा रोडवेज का लग्जरी बसेस आई थी, वो क्यों आ रही है? यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी नीतीश कुमार जी जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं करा पाए, पलायन जो है दोबारा शुरू हो गए। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।